नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नील और आप देख रहे हैं इंडियन स्टॉक्स। दोस्तों, मुझे मिला हुआ है फ्लिपकार्ट से 90,000 का पेलेटर लोन। जानते हो पेलेटर क्या होता है? पेलेटर मुझे मिला हुआ है और 1 महीने का 0% ब्याज पे इसे इस्तेमाल करने का मौका भी मिल रहा है। पेलेटर दोस्तों वही होता है, जैसे कि मान लीजिए अभी आप मान लीजिए कोई कहीं जाके ऑनलाइन शॉपिंग करो और पैसा इसे यूज करो और 1 महीने बाद पेमेंट करो, कोई ब्याज आपको नहीं देना होता है। तो मुझे 90,000 का पेलेटर मिला हुआ है। अगर आप भी फ्लिपकार्ट चलाते हो और फ्लिपकार्ट से पेलेटर एक्टिवेट करना चाहते हो और इसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखो तसल्ली से, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ और आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं इसे एक्टिवेट किया हूँ, कैसे इसके मैंने KYC किया है और कैसे इसे ऑर्डर करना हो फ्लिपकार्ट से और कैसे पेमेंट करना है, पूरा अच्छे से इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इसके लिए दोस्तों, इस पेलेटर को एक्टिवेट करने के लिए आपके पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्स देना नहीं ज़्यादा मेन आपके पास होना चाहिए पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड, उसी की मदद से आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो। सबसे पहले आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड की मदद से आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो। पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में सही से देने वाला हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक बार सही से देखो और समझो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते हैं सपोर्ट मिलता है कि हम आपके लिए इस वीडियो लेके आते हैं। चलिए शुरू। दोस्तों देखते हैं, फ्लिपकार्ट से मुझे 90,000 का लिमिट मिला हुआ है। यहाँ पर देखते हैं लाइव प्रूफ, ठीक है, जो मैंने बताया था शुरू में वही लाइव प्रूफ देखते हैं। 90,000 का पेलेटर देखते हैं, 25,000 का पेलेटर और 90,000 का EMI, दोनों लगभग मतलब एक ही जैसे होते हैं, लेकिन पेलेटर थोड़ा सा अलग होता है। पेलेटर से दोस्तों क्या है कि आप मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट ये सब कर सकते हो और EMI का मतलब होता है कि जैसे कि उस पर सिर्फ EMI पे किस्त पे ही सामान ले सकते हो। तो यहाँ से देखते हैं फ्लिपकार्ट में आएंगे तो फ्लिपकार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज बिल पेमेंट का भी ऑप्शन है, उससे बिल पेमेंट भी कर सकते हो आप। तो आप लोग कैसे आप लोगों को मिलेगा ये ऑफ़र आपको बताने वाला हूँ, अगर आप फ्लिपकार्ट इस्तेमाल कर रहे होगे, कई लोगों को नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पर प्रोफाइल में जाना, आपको प्रोफाइल में यहाँ पर अकाउंट में जाना है। अकाउंट में यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्रेडिट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। देखते हैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट पेलेटर लिखा हुआ है, फ्लिपकार्ट पेलेटर आपके सामने है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 90,000 का लिमिट मिला हुआ है, ठीक है, ये आपने देख लिया। और इस ऐप को हिंदी में भी इस्तेमाल कर सकते हो, इंग्लिश में भी, पंजाबी, मतलब हर तरह से, पंजाबी में भी, 8 लैंग्वेज में इस ऐप को यूज कर सकते हो फ्लिपकार्ट को। तो फ्लिपकार्ट पे इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे दूसरा यहाँ पे चल रहा है 5 लाख का लोन, उसके बारे में जानकारी चाहिए तो मैं जल्दी उस पर वीडियो आ जाएगी, मुझे कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं इससे आप पर्सनल लोन भी 5 लाख का ले सकते हो, इसके बारे में नॉलेज आपको जानकारी चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, ऐसे मैं जल्दी वीडियो ला दूंगा इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने लिख रखा है 30 दिन के लिए आप इसे इस्तेमाल करते हो तो कोई ब्याज नहीं देना है। और जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप यहाँ पे शॉपिंग करते हो, मान लीजिए कई बार क्या होता है उसे रिफंड करना होता है, तो इंस्टेंट रिफंड पैसा इसमें आपको आ जाते हैं रिफंड, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1 क्लिक में आपका पेमेंट हो जाता है, 1 क्लिक में आपका ऑर्डर हो जाएगा और यहाँ पर आपका सिविल स्कोर इससे इम्प्रूव होगा, मतलब सिविल जो होता है ना, सिविल आपका बढ़ेगा अगर आप इस पर लोन लेके टाइम से पेमेंट करते हैं तो सिविल जो है बढ़ता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉप नाम पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ भी शॉपिंग यहाँ से कर सकते हो, जो भी शॉपिंग आपने किया है तो फ्लिपकार्ट से यहाँ से आप दोस्तों शॉपिंग कर सकते हो, ऑर्डर करेंगे तो फ्लिपकार्ट से यहाँ से ऑर्डर आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने कंप्लीट KYC कर दिया है। अब दोस्तों की KYC कैसे करना देखते हैं कि यहाँ पे KYC कंप्लीट कर लिया है, अबाउट इसके बारे में जानकारी चाहिए तो यहाँ पे दे रखा है कि जानकारी इसमें क्या क्या है, ऑफ़र जैसे कि साइन अप करेंगे तो ऑफ़र कैसे, मतलब ऑफ़र इसमें मिलता है। तो दोस्तों कई लोग क्या है ना, जैसे कि फ्लिपकार्ट से यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कई लोगों को पेलेटर दिख रहा होगा, लेकिन कई लोग अप्लाई कर रहे होंगे तो उनका रिजेक्ट हो जा रहा होगा। रिजेक्ट होने का मकसद क्या है, क्योंकि आपका सिविल खराब होगा, सिविल खराब होगा, क्योंकि जो ये फ्लिपकार्ट जो है ना, अप्लाई करने के लिए ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। पहले क्या था, पहले बहुत पहले मैंने एक्टिवेट किया था, लेकिन अब मेरा लिमिट बढ़ चुका था तो पहले मैंने सिर्फ दिया था पैन कार्ड और आधार कार्ड। अब हो सकता है कि सिर्फ आपको पैन कार्ड से ही आपका काम चल जाए, लेकिन ऑप्शन में मांगता तो आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो हमारा वेबसाइट चाहिए, वहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन दिया, वहाँ पर और जानकारी मैंने दे रखी है, उससे अच्छी देखिए, वहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले KYC के लिए आप वो देखते हैं, मैंने KYC कम्प्लीट पे, ये मेरा KYC स्टेट है, ये मेरा एक्टिवेट है और वैलिड है, ये देखते हैं। लगभग जब मैंने KYC किया था तो यहाँ पे 2023 के लिए ये मेरा KYC एक बार
1 अक्टूबर 2023 के लिए मेरे KYC एक्टिवेट हो चुका है। उसके इसके भीतर मुझे कभी KYC नहीं करना है, बस एक टाइम KYC करना है। जितनी बार मैं पेमेंट करूँगा और उतनी, जैसे कि जितनी बार शॉपिंग करूँगा जितना पेमेंट करूँगा ऑटोमेटिक इसमें आते रहेंगे, और 2030 के बाद मुझे KYC करना पड़ेगा, इतना लंबे के बाद। बाकी मैं इसे रेगुलर मैं इसे इस्तेमाल करता रहूँगा। तो यहाँ से देखते हैं कि सबसे पहले बता दूँ कि फ्लिपकार्ट के लिए कि कोई भी कॉल करता है, कोई भी मैसेज करता है, तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट के लिए आपको OTP शेयर नहीं करना है अपने अकाउंट के लिए। फ्लिपकार्ट चाहे किसी के लिए कोई भी कहता है कि OTP शेयर कर दो चाहे कुछ भी हो, तो इस तरह का मैसेज आए तो आप दोस्तों इग्नोर कर देना, आप उसको मना कर देना, ठीक है, क्योंकि किसी को OTP आपको शेयर नहीं करना है, ठीक है। तो जल्दी यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे आप पर्सनल लोन भी ले सकते हो। पर्सनल लोन देखते हैं, अप्रूवल सिर्फ 30 सेकंड के अंदर आपका हो जाएगा, इसके बारे में आपको जल्दी वीडियो आ जाएंगी। तो यहाँ पे दोस्तों शॉपिंग कैसे करना है देखते हैं, और चार्ज क्या क्या है वो भी। शॉपिंग तो कैसे भी करोगे तो फ्लिपकार्ट का ऑप्शन आपका आ जाएगा, फ्लिपकार्ट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर फ्लिपकार्ट का ऑप्शन पर क्लिक करके आप उस पर शॉपिंग कर सकते हो। अब देखिए क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर लेट पेमेंट करते हो, लेट पेमेंट जैसे कि मान लीजिए 30 दिन का आपका टाइमिंग होता है, 30 दिन के भीतर अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, तो मान लीजिए 1000 रुपये आपने इस्तेमाल किया है, 1000 रुपया, उस 1000 रुपये का पेमेंट आपने नहीं किया तो 5 यहाँ पर आपको चार्ज और टोटल GST मिला के टोटल आपको इतने रुपए आपको देने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए कि आपने 1001 रुपये से लेके 3000 तक आपने इस्तेमाल किया है, उसका बिल पेमेंट आपने नहीं किया है, 30 दिन के बाद, तो आपको 10 रुपये से लेके इतने रुपए तक एक चार्ज आपके लग जाएंगे। उसके बाद दोस्तों 3000 अमाउंट की अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 15 रुपये से लेके इतने रुपए तक आपका चार्ज लग जाएंगे। बाकी यहाँ पे मोड दिया हुआ है, वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। बाकी हर देखते हैं यहाँ पे कि जैसे कि मान लीजिए EMI पे लेटर लेते हैं, तो आपको 9 महीने के लेते हैं तो कितना परसेंट का आपका लग जाएगा, यहाँ पे कितना चार्ज आपको देना पड़ेगा, कितना परसेंट ब्याज लगेगा, वो आपको सब दिया गया है। बाकी नीचे कुछ महीने के लिए आपको 0% ब्याज पे भी आपको किस्त बना सकते हैं। 30 दिन के लेते हो तो 30 दिन के लिए फ्री है, लेकिन दोस्तों 9 महीने के लिए आप EMI बनाते हो तो इतना आपको ब्याज देना पड़ेगा। बाकी 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, सब इतना यहाँ पर टोटल दे रखा है। तो इसको भी देखते हैं, ये है EMI के लिए। बाकी ठीक है, यहाँ पर 4% मतलब जो भी हो, ठीक है, अगर लेट पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे फीस आपको देना पड़ेगा, ये सब चीज़। तो लेट पेमेंट आपको नहीं करना है, लेट पेमेंट अगर टाइम से पेमेंट करते हैं तो पहला कि सिविल आपका बढ़ेगा, नहीं तो आपका सिविल ख़राब हो जाएगा, कहीं से भी आपका लोन नहीं मिल पाएगा। इस तरह से फ्लिपकार्ट से पे लेटर आप एक्टिवेट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। देखते हैं, 90,000 का लिमिट मुझे मिला हुआ है, 25,000 का पे लेटर है, जिसे मैं कहीं भी बिल पेमेंट रिचार्ज कुछ भी कर सकता हूँ जो पे लेटर होता है। बाकी EMI जो है यहाँ पर 90,000 का मिला हुआ है EMI, जैसे कि 90,000 का, जैसे मैं कहीं शॉपिंग करता हूँ उस पर किस्त बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई फ़ोन लेता हूँ और फ़ोन लेके किस्त बनाता हूँ, तो मुझे कम से कम 90,000 का लिमिट, 90,000 के अंदर कोई फ़ोन भी मैं ले सकता हूँ। इस तरह दोस्तों आप दोस्तों फ्लिपकार्ट से पे लेटर एक्टिवेट कर सकते हो, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी यहाँ पर जब भी शॉपिंग करोगे, पेमेंट ऑप्शन क्लिक करोगे, EMI पे ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो फ्लिपकार्ट से EMI पेमेंट आप कर सकते हो, इस तरह बहुत आसानी से पेमेंट आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको सही लगेगी, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। हमारा काम है सिर्फ आपको सही जानकारी देना, हम सिर्फ जानकारी देते हैं और हमारे चैनल पर सिर्फ आपको जानकारी दी जाती है। तो आपका आपसे रिक्वेस्ट है, जहां से भी आप लोन लेते हैं उसके बारे में पहले सही से जाने समझे, उसके बाद उस एप्लीकेशन से आप लोन ले। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।